बाप की दौलत नहीं, साया ही काफी होता है। बेशक माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है, तो बाप के बिना भी जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। माँ तो कभी कभी बता भी देती है तकलीफें अपनी, मगर एक बाप चाहे जितने मुश्किलें में क्यों न हो, पैसे का टेंशन, ईएमआई भरने की टेंशन, मगर कभी बच्चों के सामने उनका चेहरा उदास नहीं होता, ताकि उनके बच्चे खुश रहें। ये जो बेटियां होती हैं, ये अपने बाबा के बगैर नहीं रह सकती हैं। बाप वो वाहिद शख्स होता है जिसके जूतों से भी बेटी को मोहब्बत होती है। आपके नाम से जाने जाते हैं हम अब्बू, अब इससे बड़ी शोहरत क्या होगी मेरे लिए। मेरी पहचान है मेरे बाबा, मेरी हर खुशी है मेरे बाबा, जो है लाखों में एक वो मेरे जान है मेरे बाबा। बाप एक ऐसा पेड़ है जिसके साय में बेटियां राज करती हैं। एक बाप ने क्या खूब कहा है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं तकदीर का लिखा देखूं, बस मेरी बेटी की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। अब्बू चाहे कितना भी क्यों ना डांट ले, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार उनके अब्बू ही करते हैं। कुछ लाएं मेरे अब्बू के लिए। मेरे अब्बू दुनिया की वो हस्ती हैं जिनके अंदर मेरी जान बसती है। बेशक वो कमाते थोड़ा है, पर मेरे लिए उन्होंने हद से ज्यादा जोड़ा है। कभी किसी कमी को मुझे महसूस तक ना होने दिया। मेरी हर ख्वाहिश को उन्होंने वक्त से पहले पूरा किया। उन्होंने वो सब ख्वाब मेरे पूरे किए। जो भी मैंने सजाए हैं, वो मेरे अब्बू ही हैं जो मेरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए रातों को ना सोए हैं। जो कुछ भी आज हूँ मैं, मेरे अब्बू की ही बदौलत है। मेरे लिए अब्बू से बढ़कर कुछ भी नहीं, वो ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सब उंगलियों से, न जाने किस उंगली को पकड़ के अब्बू ने चलना सिखाया होगा।